अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका दोस्त मोहम्मद फाजिल एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो बहुत सारी डिमांड इससे आ रही थी कि हम GTA 5 किस में खेलें, हमारे लिए कौन सा PC ऐसा है जो सिस्टम हम बनवाएं, अपने पुराने PC को किस तरह से नया करें। तो आज की वीडियो पूरी डिटेल से होने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम असिल भाई। वालेकुम अस्सलाम फाजिल भाई, खैरियत से हैं आप? ठीक ठाक अल्लाह का शुक्र। सबसे पहले तो आप हमारे व्यूवर्स को अपनी शॉप का प्रॉपर एड्रेस बता दें, ठीक है, और उसके अलावा अपना व्हाट्सएप वगैरह नंबर बता दें। नहीं, हमारी शॉप सदर नास प्लाजा के अंदर है, हमारा गेट नंबर 8 साहब आएंगे तो मस्जिद की सीढ़ियों के साथ 238 SYG कंप्यूटर हमारी शॉप है। शॉप का नंबर 238 है, व्हाट्सएप नंबर 0334167-0543 शॉप के ओनर का नंबर है, बाकी मेरा नंबर है 0348354-3340। ठीक है, आप व्हाट्सएप पे भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी सबसे पहले सिल्वे कौन सा आप दिखा रहे हैं सिस्टम हमें? सबसे पहले हम आपके व्यूअर्स को दिखाएंगे, ये फोर्थ जनरेशन की मशीन है। ठीक है, ठीक है फाजिल भाई, आप ये फोर्थ जनरेशन की मशीन देख सकते हैं, बिल्कुल 10x10 कंडीशन है। ठीक है, इसमें आपका i3 फोर्थ जनरेशन का प्रोसेसर भी लग सकता है, i5 फोर्थ भी लग सकता है, i7 फोर्थ जनरेशन तक सपोर्टेड है। ठीक है, ये ठीक है, इसके प्राइस हैं i3 फोर्थ जनरेशन के साथ आपको ये पड़ेगी 10,500 रुपये की। 10,000 भाई, आप कंडीशन आपके सामने है, उसके बाद आपकी आ जाएगी सेकेंड जनरेशन की मशीन। सेकेंड जनरेशन की मशीन आपको पड़ेगी ये, इसमें i3 सेकेंड भी लग जाएगा, i5 सेकेंड भी लग जाएगा। ठीक है, ये सेकेंड जनरेशन की मशीन है, आपको अगर ये डब्बा आप खाली लेंगे तो आपको ये 7,500 रुपये का पड़ेगा, और अगर आप प्रोसेसर के साथ ये लेंगे तो आपको पड़ेगी 10,000 रुपये की। i3 सेकेंड के साथ लेंगे तो ये 10,000 रुपये की पड़ेगी, i5 सेकेंड के साथ लेंगे तो 11,000 रुपये की पड़ेगी। बाकी कोर टू की मशीन है ये, HP के अंदर जैसे आप देख लें 7900 HP के अंदर मशीन है ये, इसका बेयर बोन 6,500 रुपये का है। बाकी डेल के अंदर देख लें कोर टू की मशीन ये, इसका बेयर बोन 6,000 रुपये का है। बाकी अगर आपकी कोई मशीन जल जाती है, एक्सचेंज के अंदर भी हम करते हैं काम, एक्सचेंज के अंदर आपको ये पड़ जाएगी 3500 रुपये की। बाकी जो है आपका कोई भी स्क्रैप का सामान हो तो आप हमारे से कांटेक्ट करें, हम कंपनियों का आउटडोर का काम भी करते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे किसी का स्क्रैप बेचना है, सेल करना है उसको, तो हम विज़िट करके सेल भी आपसे कर लेंगे आपको, या बेचना तो हमारी शॉप पर हमने कांटेक्ट नंबर दिया है, आप हमसे कांटेक्ट करें, इंशाल्लाह आपको आसानी हो जाएगी। फाजिल भाई, आपके व्यूअर्स को हम सबसे पहले दिखाएंगे 3020 फोर्थ जनरेशन की मशीन है, इसमें i3 फोर्थ भी लगता है, i5 फोर्थ भी लग सकता है, i7 तक फोर्थ लग सकता है। ठीक है, गेमिंग के लिए बेस्ट मशीन है, जैसे GTA 5 वगैरह वो उसकी डिमांड आती है, GTA 5 खेलना है तो इसमें GTA 5 के लिए इसमें ग्राफिक कार्ड लगा के बेस्ट मशीन रहेगी। ठीक है, बाकी अगर आप सेकंड जनरेशन की बात करते हैं तो सेकंड जनरेशन में 3010 मशीन है, इसमें i3 सेकंड भी लग सकता है, i5 सेकंड भी लग सकता है, i7 सेकंड भी लग सकता है। ठीक है, ये भी बेस्ट मशीन है गेमिंग के लिहाज से, ऑफिस वर्क के लिहाज से। इसके क्या प्राइस होंगे? ये अगर आप 3010 आपके व्यूअर्स आपके रेफरेंस आएंगे तो ये आपको दे देंगे i3 सेकंड के साथ 10,000 रुपये की, i5 सेकंड के साथ 11,000 रुपये की। ठीक है, बाकी अगर आप थर्ड जनरेशन की बात करते हैं डेस्कटॉप में तो 7010 इसका मॉडल है, i3 थर्ड जनरेशन की मशीन है, ये भी i7 तक सपोर्टेड है, ये भी गेमिंग के लिए ऑफिस वर्क के लिए बेस्ट मशीन है, इसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह कोई कंप्लेंट नहीं है। अगर आप बोलते हैं तो आपके व्यूअर्स को हम ये खोल के दिखाते हैं, इसकी भी 10x10 कंडीशन है अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी आप आएंगे तो इंशाल्लाह आपको विंडोज बाकी सारे सॉफ्टवेयर करके डाल के देख सकेंगे। ग्राफिक कार्ड वगैरह सपोर्टिंग है? जी जी, ये 4GB तक सपोर्टेड मशीन है, बाकी गेमिंग ग्राफिक्स कार्ड और उसके फ्री फायर PUBG GTA 5 के लिए बेस्ट मशीन है डेस्कटॉप के अंदर। बाकी अगर नॉर्मल यूज़ के लिए जैसे घर के यूज़ के लिए आपको मशीन चाहिए तो कोर टू की मशीन बेस्ट रहती है, ये डेल की कोर टू की टावर में मशीन है, इसका मॉडल है 7005। ठीक है, इसका बेयर बोन आपको पड़ेगा 6,000 रुपये का, और अगर आप HP में आप इंटरेस्टेड हैं तो HP में भी हमारे पास पड़ी हुई है 7900 इसका मॉडल है। बाकी आपको ये पड़ेगा इसका बेयर बोन, ये भी टावर में मशीन है, फ्रेश कंडीशन में मशीन है, ये आपको पड़ेगी 6,500 रुपये की मशीन। ठीक है, ठीक है, बाकी अगर आप उसके अलावा आप गेमिंग के इंटरेस्टेड हैं मेरे लिहाज से आपको फोर्थ जनरेशन की मशीन आपके लिए बेस्ट रहेगी। बाकी सेकंड जनरेशन में भी अच्छा चल जाएगा जिसका कम बजट है, जैसे 3010 में आ जाएँ, ये भी जिसका कम लो बजट है
तो इसके लिए ये बेस्ट मशीन है। इसमें ना हैंगिंग की प्रॉब्लम आती है, ना कंप्लेन आ रही है, ना कोई और रीस्टार्ट हो रही है, ऐसी कोई कंप्लेन नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। इसका स्टॉक हमारे पास अवेलेबल है, आप हमसे कॉन्टेक्ट करें, इंशाल्लाह आपको रेडी करके देंगे। बाकी अगर आप अपने पुराने पीसी चला चला के थक गए तो आप हमारे पास पुराना अपना पीसी लेके आएँ, हम आपको नया रेडी करके देंगे। तो आपको अगर मार्केट में उसके कम रेट लग रहे हैं तो आप हमारे पास लेके आएँ, इंशाल्लाह अच्छी कीमत में आपसे वो भी ले लेंगे, आपको नया रेडी करके भी दे देंगे, गेमिंग के लिहाज से, ऑफिस वर्क के लिहाज से। या आपके पास बहुत सारा स्टॉक पड़ा हुआ है स्क्रैप का तो हम वो भी परचेज़ कर लेते हैं, या आपको बहुत ऑर्डर है, जैसे किसी की रिक्वायरमेंट होती है मार्केट में अवेलेबल नहीं होते कोई से भी मॉडल एक्स वाई जेड, तो आप हमसे कॉन्टेक्ट करें, इंशाल्लाह हम आपको रेडी करके देंगे। बाकी हमारे शॉप का नंबर और डिस्क्रिप्शन में सब डाल दिया है फाजिल भाई ने, आप हमसे कॉन्टेक्ट करें, इंशाल्लाह आपको अच्छे रेट भी देंगे बाकी, और किसी चीज़ की आपको इंशाल्लाह परेशानी नहीं होगी। अस्सलामुअलैकुम जज़ाकअल्लाह।